नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सवालों के घेरे में फायर सेफ्टी, आग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कहीं ना कहीं आग लग रही है, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, अस्पतालों से लेकर गेमिंग जोन तक सुरक्षित नहीं है और इन घटनाओं को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। मध्य प्रदेश में भी पिछले साल 13 जून को मंत्रालय से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित सतपुड़ा भवन में हुए भीषण अग्निकांड के बाद भी अब तक फायर सेफ्टी एक्ट लागू नहीं हो सका है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में फायर सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर राज्यों को भेजा था। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी ड्राफ्ट बना था, इसमें कई बदलाव होते रहे और 2022 में मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2022 का ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन अब तक ये लागू नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक सतपुड़ा भवन के अग्निकांड के बाद नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय ने एक्ट का ड्राफ्ट फाइनल करके मंत्रालय में उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया था, ये वहीं लंबित है। सभी राज्यों का यही हाल है। एक्ट में फायर इमरजेंसी सर्विस बनाने का प्रावधान और प्रॉपर्टी टैक्स के साथ बिल्डिंग्स में फायर सेस लगाने का भी प्रस्ताव है। राज्य स्तर पर फायर इमरजेंसी सर्विसेज बनाने का प्रावधान है। डायरेक्टर स्तर के अधिकारी इसके मुखिया होंगे। हर निकाय में फायर ऑफिसर की नियुक्ति होगी। नए अग्निशमन सेवा केंद्र भी खोले जाएंगे। हर अग्निशमन केंद्र में फायर ऑफिसर की नियुक्ति होगी। आग की सूचना देने, उससे उस पर कार्रवाई करने, अग्निकांड से बचाव के उपाय, अग्निशमन की प्रक्रिया बाधित करने वालों पर जुर्माना सजा जैसे प्रावधान के अलावा बहुमंजिला इमारतों की जांच जैसे प्रावधान शामिल हैं। लेकिन सवाल यही है, ये प्रावधान लागू कब होंगे? आज इसी का सवाल तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं, देखिए। देश के अनेक भागों में लगी आग और उनमें मासूम बच्चों सहित अनेक लोगों की मौत के बाद फायर सेफ्टी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के एक अस्पताल में 7 नौनिहालों की मौत, गुजरात के राजकोट में गेम जोन में हुए भीषण अग्निकांड में 9 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट से 12 लोगों की मौत, इन सब घटनाओं ने एक बार फिर फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगजनी की घटना घटने के बाद ही केवल जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय सरकार की तरफ से नहीं किए गए हैं। भोपाल में ही पिछले साल 13 जून की मंत्रालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर स्थित सतपुड़ा भवन में हुए भीषण अग्निकांड के बाद भी प्रदेश में अब तक फायर सेफ्टी एक्ट लागू नहीं किया गया है। इस एक्ट का ड्राफ्ट साल 2020 में बन गया था, लेकिन अभी तक कानून अस्तित्व में नहीं आ सका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में हर साल करीब 25,000 लोगों की मौत आग में झुलसने से होती है, यानी हर रोज 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मॉडर्न फर्नीचर, कार्यालय, घरों में 50 साल पहले की तुलना में 8 गुना अधिक तेजी से आग पकड़ रहे हैं। आग लगते ही वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल अमूमन 21% होता है। जब कहीं आग लगती है तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कई बार घटकर 4 से 6% रह जाता है। ऐसे में दम घुटने से चंद सेकंड में मौत हो जाती है। आग लगने के प्रमुख कारण शॉर्ट सर्किट होते हैं। नेशनल एडवाइजरी के तहत 2,00,000 की आबादी और 1 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक फायर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाता है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो बताती हैं कि फायर सेफ्टी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। बड़े शहरों को ले लीजिए, छोटी जगहों को ले लीजिए, और अब हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे उपकरण लगाए जा रहे हैं जिनकी मेंटेनेंस समय पर अगर की जाए, या जो बारीक बिंदु हैं जैसे वायर्स का बहुत समय पुराना हो जाना, शॉर्ट सर्किट की कई सारी वजहें हो सकती हैं, उन पर बारीकी से ध्यान रखना, और इसके साथ फायर सेफ्टी अधिनियम अगर हो तो जाहिर सी बात है कई सारी चीज़ों पर अंकुश लग सकता है। ये घटनाएं कम हो सकती है, बंद तो नहीं होंगी, पर उस पर भी उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई दे रही है या ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। दिल्ली में देखिए, मासूम बच्चों की मौत हो गई। केयर सेंटर में आग लगी थी, हॉस्पिटल, लेकिन उसके बाद राजकोट चले जाइए तो गेमिंग जोन आग की चपेट में आ गया, तहस नहस हो गया, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ। और जो लोग अंदर अगर उसमें रह जाए, जहाँ की किसी भी इमारत में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी जगह पर अगर इस तरह की आग लगती है तो वहाँ दम घुटने से लोगों की मौत हो जाना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है,
और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। सवाल यही है कि आखिर तमाम जो एक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनका ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया गया है एमपी की मैं बात करूं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर तेज़ी दिखाई दे तो कई सारे जो ये केसेस हैं या जहां पर लापरवाहियां देखी जा रही हैं उन पर सख्ती से उनसे उन्हें दुरुस्त कराया जाए, जो त्रुटियाँ हैं उनको दुरुस्त कराया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम उनके क्षेत्रों का हाल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली में हाल ही में जो घटना हुई उसने वाकई रोंगटे खड़े कर दिए। किस तरह से लपटें हो रही थी और मासूम बच्चे वहां पर थे जिनमें से कुछ को बचाया जा सका, बाकी कई सारे बच्चों की मौत भी की भी खबर है। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, वो हमें दिल्ली की घटना के बारे में बताएंगे और क्या त्रुटियाँ रहीं जिसके पीछे ये आग लगी। विनोद क्या बताएंगे? विनोद आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज़ नहीं मिल रही है हमारी विनोद को। तो देखिए, अलग अलग जगहों से हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं और बेमेतरा से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए, रवि हम उनके पास भी जाएंगे। रवि आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। रवि क्या बताएंगे, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं आए दिन हम देख रहे हैं, ऐसा कोई शायद ही राज्य बचा हो जहाँ पर किसी बड़े संस्थान में आग ना लगी और वहाँ पर आप नुकसान होता है, जानमाल का नुकसान होता है। बेमित्रा की मैं बात करूं तो इस तरह की कौन सी ऐसी जगहें हैं जो जो फायर सेफ्टी अधिनियम है उनका पालन कर रहे हूं, क्योंकि हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी जाती हैं, उनके पास फायर एनओसी नहीं होती है, कई सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता, उसके बावजूद भी वो अपने संस्थान चला रहे होते हैं। इससे पहले हमने जबलपुर की भी आग देखी थी, मध्य प्रदेश की जबलपुर में, और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, क्या बताएंगे आप? पारुल, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से भी बीते दिनों में जैसे ही गर्मी जैसे गर्मी का सीजन का जो आगाज होता है लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जाती है। निश्चित रूप से जो फायर सेफ्टी के जो मानक मापदंड है उसकी अवहेलना की जाती है, उनको उनको दरकिनार करके अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी आर्थिक लाभ के लिए बोला जाए तो ये भी कहना गलत ही होगा, आर्थिक लाभ के लिए इन सारी बातों को साइड कर दिया जाता है। क्योंकि जिला प्रशासन की भी अगर मैं बात करूं तो जिला प्रशासन के भी जो अधिकारी हैं वो भी फायर सेफ्टी की जांच करने, जैसे कि अभी हाल की बात है, अभी दो दिन पहले जो बारूद फैक्ट्री जो स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी में जिस प्रकार से आग लगी, तो कहीं ना कहीं इस बात से क्योंकि दो साल पहले सुरक्षा के मापदंडों की दृष्टि से वह उस फैक्ट्री में जांच किया गया था और सील किया गया था उस फैक्ट्री को, क्योंकि जो उनके जो सुरक्षा के मापदंड है वो किसी भी प्रकार जो फायर सेफ्टी के मापदंड है वो किसी प्रकार से वह बारूद फैक्ट्री खरा नहीं उतरा था, इस वजह से दो साल पहले उसको सील करने की कार्रवाई की गई थी। परंतु जब फायर से जब बारूद फैक्ट्री खुली इसके बावजूद भी गाँव क्षेत्र होने के ग्रामीण होने के बावजूद यहाँ पे लोग जिला प्रशासन का ध्यान किसी कहीं इन सब बातों की ओर नहीं गया, जिसके जिसका नतीजा यह हुआ कि दो दिन पहले इतनी बड़ी आग लगी। जी पारुल बिल्कुल, बेमेतरा में जो घटना हुई वाकई धधक गई थी धरती जब हमने वो सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ का देखा था, जिसके बाद लोगों की मौत के आंकड़े भी आना शुरू हुए, उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे जिन्होंने बताया कि एक ही की मौत हुई, उसके बाद और भी चीज़ों का खुलासा हुआ। सवाल ये है कि ऐसे धड़ल्ले से कई ऐसे इस तरह के जो काम हैं वो किए जा रहे हैं, फिर चाहे कारखाने हों, पटाखा फैक्ट्री हो, बारूद फैक्ट्री हो, और वहाँ पर कि कभी समय रहते जांच नहीं होती, समय समय पर इन जगहों पर इस तरह के इंस्पेक्शन होते रहने चाहिए कि क्या वहाँ पर हो रहा है, किस परिस्थितियों में हो रहा है, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जा रहा है। अगर ये सब चीज़ें हों तो शायद इन सब घटनाओं में काफ़ी कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा ध्यान शायद नहीं रखा जा रहा है, ना वहाँ का प्रशासन, ना नगर निगम, और ना वहाँ के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। कई सारी चीज़ें हैं जो हकीकत हमारे सामने हैं। मैं आपके पास आऊंगी, और भी सवाल है मेरे इस अग्निकांड को लेकर, लेकिन दिल्ली का रुख करना होगा। दिल्ली से विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद क्या बताएंगे, दिल्ली में हॉस्पिटल में हुई जो घटना जिसमें बच्चे थे मौजूद, बच्चों की संख्या भी बताया जा रहा था कि ज़्यादा बच्चों को एडमिट किया गया था जबकि संख्या वहाँ पर क्षमता कम थी, और उसके बाद बच्चों की मौत, हॉस्पिटल में आग लगने के पीछे क्या वजह है टटोली जा रही है, कहाँ लापरवाही देखी जा रही है? देखो अभी तक उसे जांच का विषय कहकर बात मामले को टाला गया था, पर ये बात सही है, 10 से 12 बच्चे वहाँ पे एडमिट थे। जब आग लगी फायर ब्रिगेड को कॉल की जाती है और फायर ब्रिगेड आती है, उसमें से 10 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, 6 की ऑन स्पॉट जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो 6 बच्चों को गवर्नमेंट घोषित कर दिया गया, 1 बच्चे को बाद में घोषित करा गया। ये 100 बच्चा मात्र मकान था जिसमें यह हॉस्पिटल चलाया जा रहा था,
सबसे बड़ी बात सवाल की है, इसके नीचे ही अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर पर तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाते थे जो कि कहीं ना कहीं इलीगल है, मैं किसी भी तरह के जवाब से परमिशन नहीं। जब इलीगल गतिविधियां होती हैं और फिर इस तरह की घटनाएं जब इनका भांडाफोड़ करती हैं तब जाके प्रशासन जागृत होता है और फिर तमाम जांचों की बात कही जाती है। अभी कुछ दिन हो सकता है कि अस्पतालों में और तमाम इमारतों में जांचें भी हों, लेकिन क्यों पहले से घटना के पहले कोई सबक नहीं लिया जाता? घटना हो जाए, लोगों की मौतें हो जाए, उनकी लाशों पर रोना हो जाए, उसके बाद सबक लिया जाता है और फिर कुछ दिनों तक ये जाँच चलती है, उसमें भी किसी के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी? सबसे बड़ी बात देखिए, अगर बात करें स्थानीय पुलिस, जबकि स्थानीय पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है इस चीज को लेकर, स्थानीय पुलिस बराबर राउंड मारती है, मगर सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई ठीक से इंतजाम भी नहीं था। फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था जी, कंप्लीट कीजिए। और स्थानीय पुलिस भी नदारद थी, फायर ब्रिगेड को कॉल करने के काफी देर के बाद स्थानीय पुलिस आती है, जबकि यहाँ से पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर भी नहीं है जी। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचा था वहां पर, अधिकारी फिर कितनी देर में और पहुंच पाए थे, और जो मौतों का आंकड़ा सामने आया है उसको लेकर आप क्या बताएंगे? कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदारी ले रहा है, किसी की जवाबदेही बनती है? पारुल अभी तक तो किसी ने कहा नहीं पाती, इससे न्यायिक जांच दिखाकर एक पल्ला झाड़ लिया गया है, इसमें एक डीएम को और एक जिला मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दे दिए गए, इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं करा अभी तक। विनोद, अगर मैं चर्चा करूं कि ऐसे कितने और जगहें होंगी, कैसे संस्थान होंगे जहां पर इस तरह की चीज़ों का कोई घटना घट सकती है, देखिए बड़ी बड़ी इमारतें तनी हुई हैं लेकिन हर फ्लोर पे जहां फायर सेफ्टी के लिए इंतजाम होने चाहिए वो हर फ्लोर पे नहीं होते हैं। दूसरा, अगर आपके पास बड़ी बड़ी मशीनरीज आपने लगा कर रखी हैं, कोई ऐसे मशीनें लगा कर रखी हैं, हम हॉस्पिटल की बात करें तो बड़े बड़े पावर के लिए पावर वाली मशीनें होती हैं जो लोड काफ़ी लेती हैं, और फिर इनका समय समय पर जो वायरिंग है उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी कोई समस्या ना हो, लेकिन ऐसा कभी आपने सुना है कि अब ऐसा कोई निर्णय या फिर ऐसी कोई जाँच बिठाई गई हो जिसमें अस्पतालों के हर फ्लोर पर या बिल्डिंगों के हर फ्लोर पर देखा जाएगा कि फायर, ऐसा कभी सुना है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि इतना भी बारीकी से कोई ध्यान दिया जाता है, ऐसी घटनाएं होती है तो सब रोते हैं फिर बैठ के। सबसे बड़ी बात देखिए ये है, और दिल्ली में चाहे कई ऐसे अनगिनत ऐसे हॉस्पिटल है जो बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं, गाइडलाइन में तो कहा जाता है कि आप अपने फायर से NOC लीजिए, बट अगर उन्हें ठीक से जांच की जाए तो आज भी दिल्ली में अनगिनत ऐसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और अस्पताल मिलेंगे जिनके फायर का कोई भी NOC नहीं है या कोई भी इस तरह के सर्टिफिकेट वगैरह उनके पास नहीं पाएंगे। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो कोई दूसरा गेट भी नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई दूसरे सुरक्षा के इंतजाम को ध्यान दिया जाए। ये जो बेबी केयर सेंटर है जहाँ पर आग लगी, डॉक्टर नवीन खिची, इनके बेबी केयर सेंटर के बारे में कहा जाता है कि इतिहास है लापरवाहियों का और धाराएं भी कई सारी इसमें लगाई गई हैं, और ये जब पहले से ये सारी चीज़ें चली आ रही थी तो माना जाएगा कि किसी के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा था, किसी के सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक ढंग से। हादसा होने के बाद अगर हम बात करें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक अहम बैठक तो बुलाई है मगर ये सिर्फ खाना पूर्ति है। इसी तरह बात करें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे बात करें तो इनके निजी सचिव पर उंगली उठाई है, कहा जाए कि इससे पहले भी इस तरह के हादसों में मुख्य संबंधित पाए गए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रिजवान हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं और फायर इंचार्ज हैं प्रवीण बारा जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी आपका स्वागत। प्रवीण जी क्या बताएंगे इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, आप जाहिर सी बात है जब आप लोग पहुंचते हैं तो जो आग है बुझाने का काम होता है, तमाम तरह की कोशिशें होती हैं, कई बार आप लोग भी घायल होते हैं, कई तरह के जो फायर कर्मी है वो घायल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों जो आग लगती है उनके पीछे कभी शॉर्ट सर्किट कारण है, कभी कुछ चीज़ जल गई उसकी वजह से आग फैल गई, क्या बताएंगे आप इतनी सारी घटनाएं जो एक के बाद एक हम देख रहे हैं? गुजरात के गेम जोन में आग लग जाती है, दिल्ली के हॉस्पिटल में आग लग जाती है, भोपाल के एक ज्वेलरी शोरूम में AC कंप्रेसर फटने से आग लग जाती है, क्या बताएंगे? मैडम इसमें ये, हालांकि लोग फायर सिस्टम तो लगाते जरूर हैं बस टाइम टू टाइम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं या उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं जी, उसको टाइम टू टाइम मॉकड्रिल करना चाहिए, चाहे वो कंपनी का हो या दुकानों का हो, फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे रहते हैं दुकानों में उसको टाइम टू टाइम मैडम उसको यूज नहीं कर पाते उन लोग। यानी समय समय पर इसको चेक करने का भी प्रावधान है,
ये सिर्फ जो संचालक हैं या फिर बिल्डिंग के ओनर्स हैं उन पर छोड़ दिया जाता है, इसके लिए भी कोई नियम होता है प्रशासनिक अधिकारियों या फिर नगर निगम या फायर का? मैडम जैसे किसी दुकानों में या इंडस्ट्री में जैसे फायर का सिस्टम लगता है तो जो फायर का सिस्टम भी जो लगाते हैं उन्होंने वो भी ट्रेनिंग देते हैं, और वहाँ के जो कंपनियों के एम्प्लॉय जो होते हैं उनको टाइम टू टाइम बताया जाता है कि इसको कैसे चेक किया जाए। और जो उपकरण लगाने वाले आते हैं उन अगर वो उनको भी ये काम दे दिया जाए कि समय समय पर आप उसमें अपने फॉर्म्स में भी या फिर अपनी जो भी वो सेफ्टी के लिए अगर आपको हायर कर रहे हैं तो उसमें हर महीने के मेंटेनेंस का भी काम ऐड हो? मैडम मेंटेनेंस तो हर महीने होना चाहिए उसका, एक्टिविजरों का, और साल में एक बार उसका रिफिलिंग होता है मैडम। नहीं, चूंकि जब हम फायर सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो फायर सेफ्टी ले लिया बिल्डिंग ने, हॉस्पिटल ने, किसी भी संस्थान ने, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ फायर सेफ्टी उनको डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है, इसलिए लिया जाता है कि हाँ हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसको मेंटेन के करने के लिए अगर ये शर्त रख दी जाए या कंपनी जो फायर सेफ्टी उपकरण प्रोवाइड कर रही है वही अपने सर्विसेज में ये कंपलसरी कर दे कि हर महीने आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी ये सॉल्यूशन हो सकता है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम सॉल्यूशन तो यही है कि जो जो भी फायर सिस्टम लगाता है, जो भी ओनर रहते हैं, वो तो मैडम हर महीने अपने एम्प्लॉय को भेज नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। पर्टिकुलर जो दुकान में हो गया या इंडस्ट्री में हो गया कहीं पे भी जहाँ पे सिस्टम लगते हैं वहीं के एम्प्लॉय ही मेंटेन करेंगे और एक चार्ट मेंटेन करके चलते हैं जिसमें मेंटेनेंस रिकॉर्ड रहता है, कब मॉक ड्रिल किया गया है, कब मेंटेनेंस किया गया, और साल में एक बार उसको रिफिलिंग किया जाता है। सिर्फ लापरवाही ही वजह है इस तरह की आग लगने का कि अगर समय रहते आपका अगर एसी काम नहीं कर रहा है और आप गर्मी आपको हो रही है तो आप उसको ठीक करवाते हैं क्योंकि उससे आपको सुविधा मिल रही है, लेकिन जो आपको ऐसी आकस्मिक स्थिति में आपको मदद करे वो ज़रूरत शायद महसूस नहीं होती है ऐसे संचालकों को, ऐसे मालिकों को। मैं बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, जैसे कि मैंने जिक्र किया राजधानी भोपाल में हाल ही में एक शोरूम में आग लगी एसी कंप्रेसर फटने से, और वो जो वीडियो हमने देखा वो काफ़ी हृदय विदारक था क्योंकि ये एक घटना नहीं है, कई सारी इससे पहले मंत्रालय के पास ही सतपुड़ा भवन में आग लग जाना, इसके पहले भी वहाँ पर आग लगी है, और ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जहाँ पर आग लगना, और आप सिटी साइड चले जाइए तो वहाँ पर हम देखते हैं भोपाल का सिटी एरिया ऐसा है जहाँ पर फायर ब्रिगेड अंदर उन गलियों में चला जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिनियम है वो सिर्फ कागजों में बंद पड़ा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही है क्योंकि कई जगह हमने देखा जो कोचिंग संचालित जो करते हैं और जो बड़े होटल संचालित करते हैं या कई ऐसी बड़ी संस्थान है जहाँ पर लोगों का आगमन ज्यादा है और काफी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ लोग बैठते हैं, वहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम से बिल्कुल ही नजारत दिखाई देता है, और होता भी है तो वो ना उनको मैनेज करना आता है ना उनको जो है उसको चलाना आता है। हालांकि ये बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि उनको इसकी समय समय पे जागरूक करें और चालानी कार्रवाई करें अगर ऐसा उनके पास नहीं दिखता। हमने देखा था सतपुड़ा में किस तरीके से आग लगी थी तो फायर सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव नहीं था, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ उसके बाद मंत्रालय में हुआ। केंद्र सरकार ने 2019 में फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर ड्राफ्ट बनाया था और सभी राज्यों को भेजा था और कहा था इसको तैयार करें, और 2022 में जो है इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी जो है ड्राफ्ट बना था और मंत्रालय में भेजा भी था जब सतपुड़ा में आग लगने की घटना हुई थी, लेकिन वो भी जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके ढीले रवैये की वजह से यहाँ पर कागजों में दबा हुआ गया था। कई बार देखा तो चालानी कार्रवाई भी की जाती है, कई बड़ी घटनाएं जो है राजधानी भोपाल में हुई, चाहे वो एसी की घटना हो या सतपुड़ा भवन की हो या मंत्रालय की हो या गर्मी की वजह से जो आगजनी घटनाएं हो रही हैं उस वजह से, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इसमें सुध नहीं ले रहे हैं, सबसे बड़ी लापरवाही उन्हीं की इसमें सामने आती है, और जो कुछ कसर बचती है वो जो दुकान संचालक हैं, जो होटल संचालक हैं, कोचिंग संचालक हैं, उनकी लापरवाही जो है सामने आती है इसमें। जी बिल्कुल, इस तरह की लापरवाहियां सामने आती हैं और उसके बावजूद भी सबक नहीं लिया जाता है, इतनी बड़ी घटना हुई थी उसके बावजूद भी। आनंद फानन में हमने खबरें देखी और अपने दर्शकों को भी बताएं कि सरकार अब बहुत सख्त दिखाई दे रही है, सरकार अब एक्टिव मोड पर आ गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उस घटना को बीते काफ़ी समय हो चुका है उसके बावजूद भी अभी तक वो ड्राफ्ट बनकर अधिकारियों के पास है लेकिन उस पर कोई बड़ी कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है, ना ही जो नॉर्म्स हैं उनके लिए चेक किया जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि किन जगहों पर जो मापदंड हैं फायर सेफ्टी के उनको उनका पालन हो भी रहा है नहीं हो रहा है, और ऐसी कई सारी स्थितियां बनती हैं जब जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद सबके कागज़ खुलना शुरू होते, पता चलता है एनओसी नहीं है, फायर एनओसी नहीं है,
मैं लौटूंगी आपके पास। ऐसी कई घटनाएं हैं और इनको रोकने के लिए जो फायर सेफ्टी अधिनियम है उसका पालन हो सख्ती से तमाम जगहों पर, तब जाकर इन घटनाओं पर कोई अंकुश लग सकता है, कमी आ सकती है। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर आप सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते। बहरहाल हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी बने हुए हैं। वापस बेमित्रा लिए चलती हूँ आपको। बेमित्रा में हाल ही में जो विस्फोट हुआ बारूद फैक्ट्री में, इतने सारे लोगों का काम करना और फिर गर्मियों में इस तरह की ज़्यादा घटनाएं सामने आना, इसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं और भी घटनाओं का जिक्र करूं जिसमें एसी कंप्रेसर का फट जाना या फिर फायर जो है लगती है उसके पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि समय समय पर आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी चेक कराते रहनी चाहिए, कारण ये भी हो सकता है। लेकिन और ये जब आग भड़कती है तो फिर कई लोग आसपास के घरों को भी चपेट में लेती है, अगर घर में ही आग लगती है तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रवि जी निश्चित रूप से पारुल, जिस तरीके से गर्मी का जो सीजन जो रहता है और जिसके बाद आग लगने की घटना परस्पर बढ़ती जाती है, तो निश्चित रूप से जो घर की इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि अगर आप बात करें तो कूलर चालू हो जाते हैं घरों में, एसी चालू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोड रहता है, जो बिजली के ऊपर, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो लोड रहता है वो बढ़ता जाता है, और जिसके चलते कई हमारी लापरवाहियों में से कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होता ही होता है, जिसके वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना घटती रहती है। लगातार जिस प्रकार से अगर छत्तीसगढ़ के अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो तकरीबन कम से कम 35% केसेस में इस तरीके बिजली की केसेस में बढ़ोतरी हो जाती है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो आगजनी की जो घटना होती है, जिला प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लचर उदासीनता एक सामने आती है, क्योंकि एक जैसा कि कई लोगों की इसमें आग लगने से मृत्यु हो जाती है, आग के चपेट में, आग से झुलसने में मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बेमित्रा फैक्ट्री में जिस प्रकार की जो घटना घटी है और इससे भी पूर्व में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में की बात करें तो बड़ी केमिकल फैक्ट्रियों में जिस प्रकार की आग लगी है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी एक लचर व्यवस्था को उजागर करता है। बिल्कुल, ऐसे में देखना ये होगा आने वाले समय पर इन घटनाओं से कोई सबक लेते हैं प्रशासनिक अधिकारी या नहीं, फिर चाहे किसी भी स्टेट की आप बात कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मैं राजधानी भोपाल की बात करूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी जगहों पर आप चले जाइए, इस तरह की घटनाएं सामने आ ही रही हैं। क्यों, इसके पीछे वजहें क्या हैं? वजहें आपकी गर्मियों में ये घटनाएं बढ़ इसलिए जाती हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, पावर लोड ज़्यादा पड़ जाता है, आपकी वायरिंग केबल्स उतनी कैपेसिटी रखती हैं नहीं रखती हैं, समय समय पर उनको भी चेंज कराने के लिए कहा जाता है कि अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ करिए, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, ये फायर सेफ्टी अधिनियम, उसका ध्यान रखा जाए, उसका पालन हो, उसका सख्ती से पालन कराया जाए। अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मल्टियाँ हैं, बिल्डिंग हैं जो कमर्शियल हैं, वहाँ पर हर फ्लोर पर और ट्रेंड लोग होने चाहिए जो उसे चला सकें। अगर आप किसी कार्यालय को चला रहे हैं तो आपके कार्यालय में भी जो फायर सेफ्टी उपकरण हैं वो होने चाहिए और उनको चलाने के लिए ट्रेंड व्यक्ति होने चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 2 से 3 होने चाहिए। अगर कोई नहीं भी है और ऐसी स्थिति में कोई घटना घटती है तो उस परिस्थिति को संभाल लिया जाए, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है, पालन नहीं होता है, फिर बड़ी घटनाएं घटती हैं और एक घर जलता है तो एक के बाद दूसरे की चपेट में आ जाता है। और यही कुछ हुआ दिल्ली के बीबी सेंटर में भी, एक के बाद एक अस्पताल के फ्लोर आग पकड़ते गए जहां मासूम बच्चे एडमिट थे, और उस अस्पताल का तो इतिहास ही रहा है, बेबी सेंटर का तो इतिहास ही रहा है, लेकिन क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, क्यों उस लापरवाही को हर बार बख्शा गया, ये भी बड़े सवाल हैं। और ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं जहां लापरवाही या फायर सेफ्टी एनओसी नहीं होना, कई ऐसी लापरवाही भरी वजहें होती हैं जहां अधिकारियों की अनदेखी भी होती है, सिस्टम की लापरवाही भी होती है और जलती है आम जनता, आम लोग। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।